1581st episode of Nagpur's most happening Facebook live show, जिसका नाम है राज की बात, student of the year के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting student of the year in association with Lokmanya Tilak जन कल्याण शिक्षण संस्था. Really want to thank Priyadarshini College of Engineering, which is helping you know a lot of students to grow since decades now. मेरी आज की जो मेहमान है, she is doing her BTEC in chemical engineering and she is a topper, मतलब topper in the sense second you know topper in the fourth semester of BTEC of you know chemical engineering. She was the first topper in the fifth semester. You know she has been selected one of the three members in the essay competition. Topic जो था वो था contribution of great mathematician in mathematics. And she has got the first prize in green chemistry quiz competition. Please welcome my guest today, Bhagyashri Shinde. Hi, Bhagyashri. Hello, sir. कैसी हैं आप? Good afternoon. कैसी हैं आप? I'm fine, sir. तो आप creative हैं, आप confident हैं, आप smart working हैं. ये smart working आपने कहाँ से सीखी? मैंने hard working सुना था, smart working. जिससे हम हमारा काम मतलब सही वे में हो जाए, जल्दी हो जाए और smart hard work तो हो जाएगा, पर smart work से हम अचीव सक्सेस जरूर करेंगे. ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ भाग्यश्री, आपको इतने सारे जो प्राइजेस मिलते हैं, घर पे कितनी खुशी का माहौल होता है? बहुत अच्छा, सभी खुशी होते हैं, प्राउड फील होता है पेरेंट्स को भी कि हमारी बेटी को ये मिला पोजीशन अवार्ड करके. तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाग्यश्री को? वो जो अपने अंदर क्वालिटीज रहती है उनको बाहर लाना पड़ता है, सभी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है. जो जो कंपटीशन रहा, भले ही हार रहे या जीत रहे, पर पार्टिसिपेशन मेन इम्पोर्टेंट है. अगर फेल भी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लाइफ में काम ही आता है. बट जैसे यू नो हार के जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? जब आप हार जाते हैं तो उसके एक्सपीरियंसेस जो है वो कैसे हैं आपके? हार के कुछ नहीं, थोड़ा सा डाउन फील होता है, पर एक सीख समझ के हम आगे ले जा सकते हैं उस चीज को. अगली बार और से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ आगे चल के एक दो टाइम नहीं होगा, पर एक टाइम तो जरूर पक्का होगा. हिम्मत नहीं हारेगा वही आगे बढ़ेगा. अच्छा, प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आप जब आई तब पहला इम्प्रेशन कॉलेज का क्या था? फर्स्ट टाइम अच्छा, सभी सराउंडिंग अच्छा लगा, सभी टीचर्स फ्रेंडली थे, सभी सपोर्टिव थे, गाइडेंस भी अच्छा मिला टीचर्स का भी, और यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है. आपके डिपार्टमेंट में कौन से प्रोफेसर हैं जो आपको बहुत पसंद है? फर्स्ट ऑफ ऑल एचओडी मैम, स्वर्धा मोटे मैम एंड अंजलि मैम, पूजा जायसवाल मैम, मयूर सर एंड ऑल टीचर्स आर फ्रेंडली एंड उनका टीचिंग भी अच्छा है. सभी मतलब जब भी समझाया तभी समझ जाता है इजीली, और जो नॉलेज जो पढ़ाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए एक सीख रहती है. मतलब एग्जांपल से बताए या कुछ भी बताए वो लाइफ लॉन्ग काम आता है. केमिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है अपने आप में वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. मतलब लोग कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट ही बहुत डिफिकल्ट डिपार्टमेंट है. आपको कितना इजी लगता है? मुझे इस फील्ड में जाना था क्योंकि मैं इस फील्ड के लिए पैशनेट थी. मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करना ही था, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है. अगर जिसको इंटरेस्ट रहा कुछ करने को, अगर लाइफ में कुछ गोल रहा अचीव करने के लिए, तो सब कुछ सब कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट. आप केमिकल इंजीनियर क्यों बनना चाहती थी? जो क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसके लिए मैं पैशनेट थी, और केमिकल इंजीनियरिंग ऐसे पर्सन है जो हमारे डेली नीड्स को पूरे करते हैं. क्लोथ्स, एवरीथिंग, फूड्स एंड एवरीथिंग, डेली रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय द केमिकल इंजीनियरिंग. कैन वी डिसाइड द लाइफ विदाउट अ केमिकल इंजीनियरिंग? इट वुड बी द इम्पॉसिबल, बिकॉज इट इज द डेली रिक्वायरमेंट. So that why my passionate about this field is, so I choose this field. और क्या आपको कभी ये भी लगा कि आने वाले वक्त में केमिकल इंजीनियरिंग की जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा होने वाली है कभी? हाँ, ये तो पता ही होगा. हाँ, वही तो, क्योंकि वो डेली रिक्वायरमेंट है, उसकी प्राइस कम होगी ऐसा तो श्योर हो ही नहीं सकता है. उसकी डिमांडिंग तो इंक्रीजिंग रहेगी. अब पढ़ाई को आप इतना ज्यादा वक्त देती हो, अपने यू नो अपने यू नो किताबों के साथ जो आपका रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा है, दोस्तों के साथ कितना चिल करती हो?
जब टाइम रहता तभी वो भी करना ही पड़ता है, दोनों को भी सेम रिस्पेक्ट मतलब टाइम देना ही पड़ता है। एज इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन दैट इम्पोर्टेंस टू फ्रेंड ऑल्सो गिव, क्योंकि हर बार एजुकेशन ही थोड़ी ना साथ में लेके जाएंगे, फ्रेंड्स भी साथ में रहना चाहिए, दोनों भी साइड साइड में कैरी ऑन करते रहना पड़ता है। तो अपने दोस्तों के साथ जब चिल करती हो तो पढ़ाई के बारे में कितनी बात करती हो? पढ़ाई के बारे में होता ही है तो डिस्कस के इस टॉपिक पे कुछ डिस्कशन चलता ही है, क्योंकि कुछ डाउट्स रहा है तो वो भी क्लियर हो जाते फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनके सोचने के विचार अलग रहते हैं, हमारे अलग रहते, तो वो दोनों का भी मिक्स मैचअप करके कुछ सॉल्यूशन भी निकल सकता है। वैलेंटाइन्स डे, फ्रेंडशिप डे, कितने इम्पोर्टेंट डेज हैं ये आपके लिए? एज पर इम्पोर्टेंस में उतना रहती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब ये अच्छा, जब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, वैलेंटाइन्स डे, फ्रेंडशिप डे या आपका बर्थडे, ये तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट डे आपके लिए कौन सा है? बर्थडे, क्योंकि बर्थडे खुद को इम्पोर्टेंट रहता ही है, ठीक है। एज पर फ्रेंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस वो उतना कुछ नहीं है, दोनों भी साथ में लेके। अच्छा, कुछ आजकल यंगस्टर्स ये वैलेंटाइन्स डे ऐसे मनाते जैसे बहुत बड़ा दिन है, आपका क्या सोचना है उस पर? पहले एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लाइफ में कुछ बन जाए फिर वो बाद में कर सकते हैं, फिर एवरी डे वैलेंटाइन्स डे होगा। हाँ, भाई तो एजुकेशन में नहीं, कुछ लाइफ में कुछ बन जाए, पेरेंट्स के लिए कुछ करे, वो इम्पोर्टेंट है। बड़ी केमिकल इंजीनियर जिस दिन बन जाएंगे है ना, और आपको आउट ऑफ इंडिया से अगर जॉब का ऑफर मिला, ठीक है, और इंडिया की भी एक कंपनी का ऑफर मिला, जो इंडिया की सैलरी है वो भी 5 लाख रुपए महीना है, और यूएस में अगर आपको मौका मिल रहा है वहाँ की सैलरी भी 5 लाख रुपए महीना है, आप कौन सा जॉब लेंगी? एज पर माई चॉइस इंडिया को ही रिफर करूंगी, क्योंकि जहाँ पे रहते हैं वो मदर कंट्री को कैसे भूल सकते हैं भला, तो यहाँ से ही शुरू करेंगे, ठीक है। वहाँ 7 लाख रुपए मिल रहे हैं यूएस में और यहाँ 5 लाख रुपए मिल रहे हैं इंडिया में, किसको चूज करेंगी? अभी देखेंगे, पेरेंट्स की अगर परमिशन होगी तो आपसे एडमिट करेगा। फंसा दिया ना मैंने आपको सवालों में, आप फिर भी इंडिया ही चूज करना भाग्यश्री, क्योंकि हमको जरूरत है इंडिया में, है ना, क्योंकि इंडिया को आगे लेके जाना है ना। अच्छा, श्रद्धा मोटे मैम से भी मेरे एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी उन्होंने अपनी भी जर्नी बताई, उसमें भी बहुत सारे हार्डशिप्स थे, वो भी बहुत स्ट्रगल करके आज उस लेवल पे पहुंची है। आपके जीवन में आपका आइडियल कौन है? आइडियल, फर्स्ट आइडियल तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, आफ्टर ऑल टीचर्स तो रहेंगे ही, वो तो श्योर शॉट है, क्योंकि फादर्स स्टार्टिंग से ही वो हार्ड वर्कर रहे, क्योंकि वो बचपन से ही नहीं क्या मम्मी के साथ शॉप में बैठते थे और रात को लेट नाइट स्टडी करते थे, वो तब तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं थी, तो तब वो दिए के उजाले में पढ़ाई करते थे, सो ही इज माई इंस्पिरेशन। As due to his hard work, he is at now position of government servant. So this is he is my inspiration. For that, I want him to make feel proud about me. I am sure he will be very proud of you. आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ेंगे भाग्यश्री, आपका फोकस क्लियर है, क्योंकि आप जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं, और इसीलिए आप सिवाय अपने बर्थडे के कोई डे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपने गोल पर फोकस रखें और आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुपर, भाग्यश्री शिंदे इज माई स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शी इज एक्चुअली सुपर स्टूडेंट ऑफ द ईयर। देखिए, हम कॉलेज क्यों आते हैं? हम कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए, हम कॉलेज आते हैं अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए जिससे हम अपना रास्ता खुद बनाए। भाग्यश्री शिंदे इज वन गर्ल हु इज वेरी सॉर्टेड, वन शी कम्स ऑफ हर एडुकेशन, बट सेकेंड शी इज ऑल्सो हियर टू मेक अ गोल एंड टू अचीव दैट गोल। उम्मीद है कि हमारे बाकी स्टूडेंट भी इसी दृष्टिकोण से सोचें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जिंदा रहें, जय हिंद।